पर्वाधिराज दशलक्षण पर्व का छठा दिन उत्तम संयम धर्म का दिन है, जो हमें संयम पूर्वक जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देता है। इस दिन को धूप दशमी या सुगंध दशमी के रूप में भी मनाया जाता है। आचार्यों के अनुसार संयम के पालन से ही सम्यक दर्शन पुष्ट होता है और संयम धारण करने से ही भव भव के दुखों से छुटकारा मिल सकता है। वास्तव में संयम ही मोक्ष का मार्ग है। संयम के बिना तो ये मनुष्य भव शून्य के बराबर है। ज्ञानी जन तो ऐसी भावना बहाते हैं कि संयम के बिना हमारे मनुष्य भव की एक घड़ी भी व्यर्थ न हो। संयम के बिना देह का धारण करना, बुद्धि पा लेना, यहाँ तक कि ज्ञान की आराधना करना, दीक्षा धारण करना भी व्यर्थ है। हमें उत्तम संयम धर्म को कैसे धारण करना चाहिए, आइए जानते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार आदि से दूर रहें। अपने स्वभाव में विनम्र भाव पैदा करें। वस्तु आदि विशेष से मोह न करें। संतोष को धारण कर संयम की भावना भाएं। उत्तम संयम धर्म के दिन ओम ह्रीम श्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः का जाप करें। कहते हैं पसंद नापसंद, गुस्से का त्याग करना, इन सबसे छुटकारा तब ही मुमकिन है जब अपनी आत्मा को इन सब प्रलोभनों से मुक्त कर और स्थिर मन के साथ संयम रखा जाए। इसी राह पर चलने से ही परम आनंद मोक्ष की प्राप्ति मुमकिन है। आचार्यों ने कहा है कि पांच व्रत, पंच समिति का पालन, चार कषायों का त्याग और मन वचन काय का निग्रह ही संयम है। व्रत पांच हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चार कषायों का त्याग करना और मन वचन काय, इन तीनों योगों को काबू में रखना ही संयम है। और पांचों इंद्रियों का निरोध करना संयम है।